हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम बड़े ही आराम से रिलैक्स होकर रेडी वगैरह हुए हैं, क्योंकि आज हम श्रीनगर ही घूमने वाले हैं, जो कि ज्यादा दूर नहीं है, आधा घंटा एक घंटे का रास्ता है। और श्रीनगर में ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि श्रीनगर तो एक्सप्लोर करा ही नहीं, श्रीनगर में ही बहुत सारी चीजें हैं, तो आज वो घूमने वाले हैं। और बाकी सब लोग तो नीचे हैं, इन मैडम की वजह से मैं अभी तक वेट कर रहा हूं ऊपर। सबसे लास्ट में यही रेडी होती है ना। हाय ब्रोदा, नया ड्राइवर आज? मैं तो जा रहा हूँ भाई। आज जाओ तो अपनी दीदी, अपन दूसरी गाड़ी में जाना पड़ेगा। यस, दूसरी गाड़ी में जाओ। दोनों इस गाड़ी में चार्जेस लेंगे, दोनों दोनों अपन को। हाय कैसे अलग ले 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 भाई, वो साथ नहीं छोड़ते उनका। 3 दिन का सफर था हमारा, फिर हम अलग हो गए। अलग हो गए, चलो बढ़िया। अब अपन चैन से घूमेंगे। टीबू तेरे, ओए भाई भाई भाई, टीबू तेरे बम का और पीठ का क्या हाल चाल है? मेरे तो कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। कमर दुख रही है, बहुत तेज दुख रही है भाई। बोल रहा था लेट जाओ लेट जाओ, कोई लेट ही नहीं जा रहा भाई। जिन यशी जिनके पास एयर बैग है उनके दर्द नहीं होता। अभी हम लोग निकल चुके हैं श्रीनगर, लोकल श्रीनगर एक्सप्लोर करने के लिए। आज सिर्फ श्रीनगर घूमेंगे, यहाँ पर बहुत सारे पार्क हैं, मतलब अराउंड 5 पार्क हैं जो कि बहुत सुंदर है, तो आज वहाँ जाएंगे। अंकल यहाँ पे खाने का मतलब कश्मीरी डिश वेज में कौन सी फेमस है? कश्मीरी पुलाव। कश्मीरी पुलाव खिलाना हमारे को, प्रॉपर लोकल कश्मीर एक्सप्लोर कराना आप हमारे को। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, शॉपिंग के लिए कहीं मत रोकना आप। अभी हम खाना खाने आए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट। चलो यही बैठते हैं यार। हाँ बहुत प्यारा है भाई, मैं फोन में पकड़ूंगा। देखो हम लोगों ने क्या क्या मंगाया। स्ट्रॉबेरी शेक, टीपू को मध्य यार चुप रहना, टीपू का है वो, और उसकी व्हिप्ड क्रीम मुझे खानी है। और ये मैंने मंगाया ब्लैक करंट। हम बोल रहे थे कश्मीर का फेमस चीज खाएंगे, ये देखो ये पिज्जा मंगा लिया साथ में। मैं हाथ सेक रहा हूं भाई। लेकिन अभी ना कश्मीरी पुलाव आ रहे हैं जो हम लोगों ने मंगाए। एक और कश्मीर का क्या मंगाया है? नवरत्न कोरमा। ये नवरत्न कोरमा है, ओके बड़ा सुंदर दिख रहा है। और ये कश्मीरी पुलाव। सुनो ट्यूब सिनेमैटिक चलते रहने जब तक हम पूरा खाना खत्म कर दें, ठीक है? उसके बाद फिर आप खाना खा लेना। फूड खा लिया हम लोगों ने, और आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे लगा कश्मीरी पुलाव भाई। आपको सब क्या? आपको क्या अच्छा लगा? कुक वाह, कोल्ड कॉफी। यशी तेरे को? नवरत्न कोरमा और रोटी बहुत अच्छी। और मुझे भी कश्मीरी पुलाव। अभी आप सोच रहे होंगे हम एकदम से खाना खाते खाते अच्छे से मूड में से यहाँ कैसे वापस होटल आ गए, क्योंकि हम जहाँ जब खाना खा रहे थे तब हमने देखा पूरा जाम, सायरन, पुलिस बैरिक, मतलब पूरी पुलिस की आवाज़ आ रही एकदम से, और इतनी सारी सिक्योरिटी एकदम से आ गई। हम डर गए एकदम से कि हुआ क्या। हमने और नीचे जो हमारे ड्राइवर अंकल थे उनको फ़ोन करा कि हम चले कहीं पर, तो उन्होंने बोला कि अभी अंदर ही रहो। हमारी और बुरी फट गई, तो अभी फिर हमने बोला कि भैया हमें कहीं नहीं जाना, सीधे होटल पहुँचाओ। अभी होटल पहुँचे हैं और ड्राइवर भैया ने बोल दिया कि अभी कुछ कहीं पर भी जाने का प्लान ना करो, क्योंकि पूरा श्रीनगर जाम हो चुका है। अब आगे अंदर क्या हो रहा है वो हमें तो नहीं आइडिया, क्योंकि हमने देखा नहीं। हम लोग फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं और यहाँ से अभी अभी निकल रहे हैं। हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टिल फॉर हमारी सेफ्टी और यहाँ अटक नहीं जाए, इसलिए हम अभी के अभी निकल रहे हैं यहाँ से। टिकट डन, बुक भाई, पैकिंग कर लो फटाफट से और चलते हैं यहाँ से, ठीक है? चलो हमारी 2 घंटे बाद की फ्लाइट है। अभी क्या बजे? 4 बज रहे, 5, 6, 7, 3 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। और अभी के अभी 10 मिनट में निकलना होगा, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। और रास्ते जाम वगैरह मिला कुछ, फटाफट से निकल रहे हैं यहाँ से। इवन मैं तो बोल रहा हूँ वॉशरूम वगैरह सब एयरपोर्ट पे कर लेना, अभी सिर्फ निकलो यहाँ से पैक करके। अगर एयरपोर्ट पहुँच गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखो मेन बस ही पहुँच जाएगा। हाँ, क्योंकि फ्लाइट वगैरह भी मिस नहीं होनी चाहिए। वैसे तो हमारी फ्लाइट कल शाम की थी, लेकिन अभी सिचुएशन को देख के देखो रिस्क नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी इस चीज़ में, क्योंकि हम अटक नहीं। देखो हमें सेफ्टी की कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशान हो रहा है, हमें किसी ने कुछ परेशानी वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ हम अटक नहीं जाए, क्योंकि हमारा काम वगैरह सब वीडियोस का, ब्लॉग्स का, कहीं बाहर जा ही नहीं सकते। यहाँ पर देखो एक तो पहली चीज है, नेट अगर बंद हो गया हम पोस्ट नहीं कर। कल भी यही सीन होता है कि कल नेट एकदम से बंद हो गया। मैंने डबल रिचार्ज कर दिया था गलती से अपना, मैंने कहा नेट को चल रहा खत्म कैसे हो गया, फिर पता चला कि कल भी इशू हो रहा था थोड़ा सा, उसकी वजह से नेट बंद कर दिया। यहाँ अटक के देखो यहाँ हम बाहर जा सकते, अंदर बैठ के तो करेंगे, इससे बेटर कि निकल जाओ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे फ्लाइट के जो हमारे लग जाए। भाई ये खाना नहीं छोड़ रहा है अभी भी। हाँ मैं खाना, ये खाना है ना, देखिए जैसे ये खाना, ये तो आपने लेने का वो सोचा है, नाम लेने लगा दो बस यार, इसका कुछ नहीं हो सकता। चल हम 4 जने इधर ही एडजस्ट होने वाले हैं ट्यूब भाई आगे, क्योंकि पीछे पूरा सामान सब पैक हो चुका है। हाँ। इसलिए ये रोज एक मक्खी आ जाती है इसमें अंदर। पाल रखे भैया, भैया ने पाल रखी मक्खी? नहीं मैंने नहीं पाल रखी है, मेरी नहीं है भैया, नहाते नहीं है तो इनके साथ एक आ जाती रोज। देखा हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 5, 2 घंटे हमारे फ्लाइट को, एकदम टाइम से पहुंच गए हैं। आज के हमारे कुली हैं लगन भाई। भगवान ऐसे दोस्त किसी को ना दे,
भाई ऐसे बोल रहे आज सिर्फ मुझे ही दे यार। तो देखो हमारी ट्रिप पूरी की पूरी बहुत प्यारी बनाई हमारे अंकल ने, जो हमारा ड्राइवर अंकल था, मतलब हर जगह का हमारे को आइडिया दिया और जो जो चीजें ध्यान में रखनी थी वो दी हमें, बताया कहाँ से चेरीज लेनी, कहाँ से केसर लेना, कहाँ से क्या लेना, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन, ताकि हमारा कहीं पर भी पैसा या कहीं पर भी एक्स्ट्रा हम नहीं देते और लॉस ना हो। तो थैंक यू सो मच अंकल, बड़ा मजा आया आपसे मिलकर। इनके नंबर भी मैंने रख लिया, अगली बार वापस आऊंगा और दिसंबर में घूमेंगे यहाँ पर। और इनके घर पे तीन तीन जर्मन शेफ होते हैं, हम पिछले अगली बार इनके घर पे जा रहे हैं। और एक पर्शियन कैट भी है। हम लोगों ने चेक इन वगैरह सब कर लिया है, अभी हमारी फ्लाइट डिले हो गई। वैसे दिल्ली की जो दो फ्लाइट्स हैं, दोनों फ्लाइट डिले हो गई है। अभी ना हमने किसको देखा, हमने देखा। चलो हमारी फ्लाइट का टाइम हो चुका है, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है भाई। और तो कुछ नहीं रहा अपना, और तो हमारा टिपोरा का है। हाँ भाई ये रहा टिपोरा, तू सही सलामत रहना चाहिए हमारे साथ। ट्यूब पे सारे चार्जर्स हैं, कुछ लोग ना मेरे जान बूझ के ब्लॉग खराब कर रहे हैं। मैं चाहती नहीं हूँ कि तुम हमारा ब्लॉग, वो तो बस है ना कि आपने बोले Q2 में, इसलिए फिर मैं जाने दे रहा हूँ। हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं और देखो हम, मैं और ट्यूब हो गए अलग, वो देखो वो तीनों हो चुके हैं एक साथ। वैसे ना फ्लाइट में काफी सारी सीट्स खाली हैं, तो हमें बोला स्टाफ ने कि जहाँ मर्जी वहाँ बैठ सकते हो आराम से। अभी मैं और टीपू ना मस्त एंजॉय करते जाएंगे। टीपू के चक्कर में बैरीज इधर रख ली, यशी से छीन के लड़के, यशी जी ने खुद ने दी थी, बोला ना इसको ऊपर रख दे, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं खाना है। और बोल दिया पता, मैं अभी बोल रहा था कब से नहीं खाओगे ना, नहीं खाओगे ना, मैं नहीं खाऊंगा अभी, मैंने कब नहीं खाया। ओह माय गॉड, देखो कोई पढ़ रहा है, जो पढ़ने का टाइम था। Oh my God. एक बात बता, खाई अब गुटली का फेंकेगा? हाँ बता। अरे भाई साहब, इसको कल सुबह पता चलेगा, सुबह गुटली तेरे को दूंगा। शट अप, ज्यादा बोलेगा, बकवास कर रहा है, बदतमीज कहीं का। अब उनको कश्मीर वापस आना है बिल्कुल जनवरी में, क्योंकि ना बहुत सारी चीजें मिस करते हुए यार हमारा मन नहीं था यहाँ से जाने का, एकदम से सिचुएशन थोड़ी बहुत हो गई तो ठीक है, कोई नहीं, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बट फॉर आवर सेफ्टी एंड व्लॉग्स वगैरह की टाइमिंग सब कुछ सही रही, इसलिए ऐसा नहीं हो कि कल हम व्लॉग ही नहीं डाल पाए, हर चीज को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि निकल जाते हैं। और अगली बार फिक्स आएंगे जनवरी में, और जनवरी में हमने बहुत सारे पॉइंट देख रखे, सब चीज रिसर्च कर रखी है इस बार, कि कब बुकिंग करनी है, ऑनलाइन बुकिंग, किस में पैसा बचेगा, सब चीज हमने कर रखा है। इस बार ध्यान रखिए, कश्मीर तो आएंगे ही आएंगे, और आप लोग का भी अगर मन है घूमने का तो घूमेगा बिल्कुल, बट चीजों को देख कर आइएगा कि वहाँ पर। मैं तो बेटर ये बताऊंगा आपको कि कोई कश्मीर में फ्रेंड हो, कोई नॉन हो, उनसे बात करके प्रॉपर सिचुएशन जानेंगे। कश्मीर बहुत सुंदर जगह है, ये मिस नहीं होनी चाहिए, ये जगह देख के आप लोग बोलोगे कि बस मजेदार चीज है सबसे। अभी ना प्लेन में टर्बुलेंस बहुत तेज हो रहा है मौसम खराब होने की वजह से, और इन दोनों की जो फट रही है ना भयंकर तरीके से, हालत टाइट है इन दोनों की। और सही में प्लेन मैंने पहली बार देखा, ऊपर नीचे हो रहा है पूरा का पूरा प्लेन ही। यशी योके वही तो बोल रहा था कि मैं क्या बोलते उसको पेरिस वगैरह कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ भी नहीं खाना है। ये देखो पेरिस क्यों खाएंगे भाई, ये मतलब ना आपके आड़ा नूडल्स खाएंगे दोनों मिलके खाएंगे। देखो देखो देखो, एक ये बुकड़, एक ये बुकड़, ये हमारा भाई तो डरा हुआ है। एक बात बताओ, ये पायलट अंकल पीछे के बैठ गए, ये तो प्लेन को चला रहा है। पहुंच गए हम लोग दिल्ली, चले भाई धक धक कम हुई आपकी, मजेदार चीज यार ये रास्ते में बनी हुई है क्या? मैं बिना कुछ करे चल रही हूं। वाओ यार, सुपर पावर्स है आपके पास तो, इसका इस्तेमाल करके भाई इतनी देर को टीपू को मारी जा रही है, कभी थप्पड़ कभी घोसे। आ गए हमारे सारे बैग, तू नहीं लेगा, देखो कैसे स्टारबक्स की कॉफी हाथ में पकड़ के चल रहा है, वो टीपू भी ले रहे, तू वाली लेगा, चल हाँ चुपचाप से बोला ले, बहुत भारी पागल, मुझसे नहीं चलेगा। वेरी गुड वेरी गुड, अब क्या दिक्कत होगी, इसमें परेशान हो रही है तू? जबरदस्ती की नौटंकी करनी है इन सबको, बहुत जोर से मेरी पता है पूरी कमर दुख रही है, स्पेशली पीठ, बहुत पीठ 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 तो घोड़े की भी दुख रही है उस बेचारे की। हम लोग पहुंच गए हैं फ्लैट फाइनली, और अब जरूरत है बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है। अच्छा ये चीज बताइए पन्ने, गुची की ना तबीयत खराब हो गई थी नेक्स्ट डे जब हम लोग वहाँ पहुंचे थे, और हम लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, आज आ रहे आए ना क्विकली, उस टाइम तो रात को ही आने वाले थे, वो हाउस बोट में ही, हाउस बोट में ये प्लान बन गया था कि बस निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ना मतलब ये इतने परेशान होकर हम लोग भी इनको देख के बहुत की मतलब अब हमें नहीं रुकना है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है तो मन भी खिसकाने लगेगा, तो हम लोग लिटरली आने वाले थे, बट इसकी तबीयत ठीक हो गई, और अभी आके इसने इतने रुपए इतना चिल्लाया है, क्यों छोड़ के गए, लग रहा है
लो चलो गाइस, अब जरूरत है हमें बहुत ज्यादा रेस्ट की, तो आज का ब्लॉग करते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करना। शेयर आप लोग कहाँ करोगे? अगर आप इस स्टोरी पे शेयर करोगे तो हम जरूर रिपोस्ट करेंगे। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। मिलते हैं कल, बाय बाय।